हैगा इज़ वेलकम बैक टू बी इंटेलेक्चुअल बात कर रहे हैं साइकोलॉजी के आंसर्स के बारे में और आपकी संस्कृत डिपार्टमेंट इंग्लिश से कटॉफ अप्रोक्स क्या जाने के चांसेस है उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं और आपका कमेंट बॉक्स जो है बड़ा प्यारा होता है आप सभी लोग वहाँ के कॉमेंट क्या करते हैं और जो क्वेश्चन रॉन्ग होने के चांसेस होते हैं वो भी आप कॉमेंट करते हैं तो हम उसको पिन आउट करके सही करते हैं ठीक है तो बात करते हैं पहले प्रश्न की

क्वेश्चन uh, नंबर 119 है तो व्हाट इज द रोल ऑफ द लर्नर इन अ सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट लेशन तो इसका है टू कंबाइन प्रीवियस एक्सपीरियंसेस विद न्यू एक्सपीरियंसेस फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 120 का जो है व्हेन स्टूडेंट्स अटेंड स्कूल ऑनलाइन दिस इज कॉल्ड तो हम इसको कहेंगे वर्चुअल स्कूल क्वेश्चन नंबर 121 जो है हुड अडोलोसेंस इज़ अ पीरियड फेयर ग्रोविंग पर्सन मैक्स ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्ड हुड टू मेचोरिटी एक्चुअली ये जो डेफिनेशन है ये uh, लगभग नाइन्टी नाइन पॉइंट कुछ ऊपर परसेंटेज तक डब्ल्यू एच ओ से मैच खाती है लेकिन uh, ठीक है हम नंबर वन या टू में से uh, अपन करेंगे टिक इसमें नंबर टू जेरीसिल्ड वैसे स्टेनले होल्ड के और जेरीसिल्ड में इसमें इस कन्फ्यूज़न है तो वेट करते हैं आर की आंसर क्या नहीं दीजिए फिलहाल तो आप कॉमेंट uh, बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है वन uh, ट्वेंटी में एग्जाम्पल ऑफ स्वटर इज पावर पॉइंट है ठीक है 123 में अ बिहेवियर पैटर्न इन्वॉल्विंग सेल्फ स्टवेशन दैट ऑफन अराइज इन अडोलोसेंस एंड स्पेशली अमंग गर्ल्स इज नोन एज तो एनोरेक्सिया नर्वोसा इसमें करेक्ट हो जाएगा 124 में आपके द कंक्लूजन चिल्ड्रन कैन लर्न वायलेंट बिहेवियर डिपिक्टेड इन मूवीज मे बी डिराइव ऑन द बेसिस ऑफ द वर्क डन बाय विच ऑफ़ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट तो हैं अल्बर्ट पांडूरा जी सही हो जाएंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सी ए आई तो ईजी है कंप्यूटर एडिड इंस्ट्रक्शंस का सही हो जाएगा 126 है विच ऑर द फॉलोइंग नॉट एन एडवांटेज ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग तो सम स्टूडेंट्स मै नोट डू वर्क इसका करेक्ट होगा वन ट्वेंटी सेवन है इमोशनल इंटेलिजेंसी बड़ाई जी पर्सन डेनियल गोलमैन ठीक है हमने भी पढ़ाया था ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट अ कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ लर्निंग तो लर्निंग इज अ पेसिव रेस्पेक्ट रिसेप्टिव प्रोसेस इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर वन करेक्ट हो जाएगा रोल ऑफ द लर्नर अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन तो स्टूडेंट्स गिव्स द रेस्पॉन्सिबिलिटीज सॉरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लर्निंग टू अदर्स करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 111 है कॉग्निटिव अप्रोच ऑफ लर्निंग मेली एम्फेसिस ऑन तो यहाँ जो है आपके कन्फ्यूजन होगा शायद मेमोरी एंड थिंकिंग में एंड मेमोराइज द इंफॉर्मेशन में तो यहाँ पर मेमोरी एंड थिंकिंग इसका 100 परसेंट करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 112 अकॉर्डिंग टू वाई की तो यह है जॉन ऑप्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इजी प्रश्न था ठीक है विच ओर द फॉलोइंगज नॉट इज़ अ मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग मटीरियल और एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग टू इट गेल तो कंट्राइव्ड एक्सपीरियंस है इसका वन फोर्टीन है स्टूडेंट फेसेज एडजस्टमेंट प्रॉब्लम विद हीज ऑब्लिक हर क्लासमेट विच ओ द फॉलोइंग टाइप ऑफ गाइडेंस कैन असिस्ट हिम ऑब्लिक हर इफेक्टिवली तो पर्सनल सोशो गाइडेंस जो है उसको आवश्यकता होगी क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड एंड फिफ्टीन है फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल फॉर एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल तो एम्फेसिस ऑन एग्जामिनेशन एंड कंपटीशन नाव कर आ जाएगा ट्रांसपेरेंट असेसमेंट सिस्टम नंबर फोर इसका करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड एंड सिक्सटीन है फॉलोइंग इज करेक्ट सिक्वेंस ऑफ द स्टेप्स ऑफ सिस्टम अप्रोच तो जाएगा सिस्टम एनालिसिस आएगा पहले तो मतलब नंबर थ्री जो ऑप्शन है फिर आएगा सिस्टम डिजाइन एंड देन फॉलो तो सिस्टम ऑपरेशन एंड इवेल्यूशन आएगा ठीक है वन सिक्सटीन का ऑप्शन नंबर थ्री करेक्ट हो जाएगा बात करेंगे हंड्रेड की तो मोस्ट इम्पोर्टेंट फोकल एरिया फोकस एरिया होगा या फोकल एरिया इन एजुकेशन डेट कंसर्न एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट एंड टीचर्स पॉइंटेड इज तो द लर्नर सही है वन जीरो वन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी फॉर टीचर्स तो सेलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द कंटेंट मेटर सही आंसर होगा वन जीरो टू में है पियाजे का स्टेज पूछा है कौन सा स्टेज है ये चाइल्ड कंस्ट्रक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द तो चाइल्ड आते हैं तो जीरो तो, हाँ, जीरो से टू हो जाएगा बाई कोर्डी नेटिंग सेंसरी एक्सपीरियंस विद मोटर एक्शन ठीक है सेंसरी मोटर स्टेज का करेक्ट है चाहो द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द तो कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स फॉलोइंग करेक्टरिस्टिकसेंट मार्क्ट अकॉर्डिंग टू द इसन तो आइडेंटिटी वर्सेज आइडेंटिटी कन्फ्यूजन करेक्ट आंसर होगा कोलबर का इंडिविजुअल एट दिस लेवल मूव बियॉन्ड अनक्वेश्चनिंग सपोर्ट फॉर द लो एंड रूल्स ऑफ देयर ओन सोसाइटी तो 105 में ऑप्शन नंबर टू करेक्ट है कन्वेंशनल है 106 की बात करेंगे तो विदाउट फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट नेचर ऑफ़ इमोशन एंड इट्स डेवलपमेंट तो इमोश इमोशंस आर परमानेंट स्टेट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म नहीं इसका आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर टू इमोशनल एक्सप्रेशन मॉडिफाइड बाई लर्निंग तो ऑप्शन नंबर फोर टू में कन्फ्यूजन है तो आप उसको कॉमेंट कीजिए अदरवाइज आरपी सी का तो हम वेट करेंगे ही सही ठीक है मैंने एक्चुअली ये कहीं टीचर्स को किया सेंड क्वेशनस uh, जो थे कई स्टेट में कई साइकोलॉजी के टीचर्स को भेजा मैंने तो सब ने कन्फ्यूजिंग वाले आंसर दिए सब ने अलग अलग दे दिए तो बड़ा ही कन्फ्यूजन वाला ये आर पी सी का रहा है और जिसने थर्टी आउट ऑफ थर्टी क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं साइकोलॉजी के अंदर तो देखिए फाइव टू सिक्स क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आपको नेगेटिव मार्किंग में जाना ही पड़ेगा और शायद ही आप बच पाओ तो सिक्स क्वेश्चन तो इसके रॉन्ग करना सिक्स और प्लस टू तो एट क्वेश्चन आपके रॉन्ग होने के चांसेस है ये कड़वा सच है वन जीरो सेवन में है विच फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, डेफिनेट एंड प्रेडिक्टेबल पैटर्न हो जाएगा वन जीरो एट में है द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिहेवियरिस्टिक कंसेप्ट ऑफ लर्निंग इज एन ऑब्जेक्टिव स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑप्शन नंबर थ्री करेक्ट हो जाएगा और uh, इसमें है नेचर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी इज पॉजिटिव साइंस है नॉर्मेटिव साइंस नहीं आएगा नाइन्टी नाइन है विच आर द फॉलोइंग कंटेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन द साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग लर्निंग नेचर एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर ठीक है तो ये था दोस्तों साइकोलॉजी का आपके पेपर संस्कृत डिपार्टमेंट वाला और काफ़ी सारे क्वेश्चन थे जो बड़ा बड़े ही कन्फ्यूजन वाले हैं तो वेट करते हैं आर के ऑफिशियल आंसर के आने का तब तक के लिए जय हिंद जय जह भारत और कमेंट बॉक्स में जो आपको जो क्वेश्चन जो है वो थोड़े से कन्फ्यूज़न वाले लगे हैं और तो आप कमेंट कीजिए तब तक के लिए धन्यवाद